हेलो वन एंड ऑल, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो। जो भी बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या वो फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, या ग्रेजुएट हो चुके हैं फ्रॉम एनी स्ट्रीम ऑफ साइंस, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और एनी सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, वेदर इट्स योर जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, लाइफ साइंस एंड एनी ब्रांचेज ऑफ कोर बायोलॉजी। आपको अगर MSc अच्छे इंस्टीट्यूशन से करना है, अच्छे इंस्टीट्यूशन जैसे कि IIT, IISc बेंगलोर, या फिर कुछ NIT जो इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूँगा 5 ईयर्स के अंदर जो भी चेंजेज आए इस एग्ज़ाम में, उन सब चीज़ों के बारे में। चेंजेज किस तरह के चेंजेज, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर चेंजेज, जैसे सीट्स को लेके चेंजेज, जैसे कौन कौन से न्यू कॉलेज आए हैं, क्या कट ऑफ रहा है, क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहा है इन 5 ईयर्स में, और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे कैसे बदला है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अभी तक IIT जैम 2 एग्ज़ाम लेती थी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, एक IIT जैम BT डेट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, एंड IIT जैम BL डेट इज़ बायोलॉजिकल साइंस। लेकिन सबसे बड़ा न्यूज है कि फ्रॉम 2020 इस साल IIT ने बायोलॉजिकल साइंस का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया है। सो इफ़ यू वांट टू गेट इन इंडियाज टॉप इंस्टीट्यूशन दैट इज IISc बैंगलोर, यू हैव टू गो थ्रू IIT जैम BT पेपर ओनली। देयर इज नो बायोलॉजिकल साइंस पेपर, बायोलॉजिकल साइंस पेपर इज नो मोर। देयर इज ओनली वन पेपर, दैट इज बायोटेक and IIT JAM Biotech. And who can take this exam? Anyone who is having BSc Physics, Chemistry, Mathematics or Biology. Anyone means those who are doing BSc Physics, they are also eligible to take biotechnology. And they should have studied at least 1 or 2 years the main papers, that is Mathematics, Physics, Chemistry as well as Biology. और सबसे बड़ा चेंज जो इस एग्ज़ाम को लेकर हुआ है इस लास्ट के 2 ईयर में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैथ्स जो क्लास 12th में जो मैथ्स रिक्वायर था 2016 में, सबसे बड़ी चेंजेस हुई थी इस एग्ज़ाम के अंदर। सबसे पहले मैं इसके इवोल्यूशन की बात बता दे रहा हूँ कि लास्ट हाउ इट हैज़ इवॉल्व्ड लास्ट 5 ईयर्स में। सबसे पहले 2014 तक इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते थे, मिक्स्ड होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के, राइट? 2014 में 100 क्वेश्चन आते थे। लेकिन 2015 से इस एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न को थोड़ा सा बदल दिया गया था। MCQ आते थे 30, उसके बाद MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जो कि IIT JEE एडवांस के पैटर्न में आते हैं, वो 10 डाले गए थे। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के आसपास आपको डाले गए थे, 20 क्वेश्चन के आसपास आपके आए थे न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको नंबर्स के फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपको नंबर आंसर एंटर करना होता था, राइट? तो इस तरह से, यानी MCQ हो गया आपका, MCQ 30 होते थे, स्टार्टिंग के 10 1 मार्क के होते थे, उसके बाद 20 होते थे आपके 2 मार्क्स के, उसके बाद MSQ होते थे 10 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन होते थे, राइट? और ये आपके इस तरह से 2 मार्क्स के होते थे। इसके बाद हो गया आपका नेट, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट आपके होते थे 20 क्वेश्चन सी भी होते थे, 20 कितने हो गए, 20, 30, 40 और 20 क्वेश्चन। इसमें भी 2 टाइप के थे, एक आपके 1 मार्क के और 2 मार्क के। ये पैटर्न 2015 में आया था, लेकिन 2015 में अचानक से ये पैटर्न चेंज हुआ था, पहले इस तरह की पैटर्न नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा जो चेंजेस हुआ वो 2016 में हुआ, द ईयर इन विच आई गेट इनटू IIT। द बिगेस्ट चेंजेस टुक प्लेस दैट्स मैथ्स वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ IIT जैम। मींस ओनली दोज स्टूडेंट्स वेयर एलिजिबल फॉर गेटिंग इनटू IIT, दोज हु हैड पास्ड मैथमेटिक्स इन देयर क्लास 12th, एंड दिस वाज अ सडन चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स were not eligible to get into IIT because of this mathematics criteria. I was one of those students who didn't have mathematics in their class 12th, but I applied as a private candidate for make myself eligible for IIT, and finally
आई पास्ड मैथमेटिक्स एंड गेट इनटू आईआईटी रुड़की. सो इन 2016 बस दिस मैथमेटिक्स क्राइटेरिया कॉन्टिन्यूड अप टू टू ईयर्स, मीन्स इन 2016, इन 2017 एंड इन 2018 दिस क्राइटेरिया वॉज अप्लाइड. बट इन 2019 अगेन द क्राइटेरिया ऑफ हैविंग मैथमेटिक्स इन क्लास 12th वेयर स्क्रैप्ड. Means it was a good news for all candidates. From 2019, those who didn't have mathematics in their class 12th or those who have not taken mathematics, if you have mathematics, it's well and good. But if you have not mathematics, if you had not taken mathematics in your class 12th, means you are not going to suffer anymore like the experience of 2016 to 2018. सो 2019 के बाद से सबके लिए अच्छा न्यूज हो गया क्योंकि मैथ्स अब क्लास 12th में कंपलसरी नहीं था, इसको हटा दिया गया था, राइट. तो उन बच्चों के लिए एक काफ़ी पूल ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बाहर हो जाते थे इस एग्ज़ाम के पैटर्न से, वो भी इस एग्ज़ाम में आने लगे और उनके लिए काफ़ी इजी हो गया आईआईटी में आना. 2019 में ये सबसे बड़ी चेंजेज हुई. और 2020 में भी अब हट चुका है, अब मैथ्स रिक्वायरमेंट नहीं है, अब जिनके पास बायो है वो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, इस पेपर को दे सकते हैं. सबसे बड़ी चीज़. दूसरी भी चीज़ जो सबसे बड़ी चेंज आई वो 2020 में दो पेपर होते थे, मीन्स एक ही कैंडिडेट जो कॉमन पूल के स्टूडेंट थे जिन्होंने बायोलॉजी लिया है उनको आईआईटी जाने के लिए और आईआईएससी जाने के लिए. आईआईएससी जाने के लिए आईआईएससी बेंगलोर अपना अलग पेपर कंडक्ट करता था बायोलॉजिकल साइंस के नेम से. बट फ्रॉम 2020 फ्रॉम दिस ईयर ओनली बीटी पेपर टुक प्लेस, देर वॉज नो पेपर लाइक बायोलॉजिकल साइंस. सो अब बायोलॉजिकल साइंस जैसा पेपर हट चुका है, अब सिर्फ आपको बीटी पेपर ही आईआईटी और आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन दिलाएगा, राइट. दूसरी बात, सेम स्टूडेंट्स पहले बायोलॉजिकल साइंस का पेपर भी भरते थे और बीटी का भी भरते थे, तो ऑलमोस्ट बायोलॉजिकल साइंस में ज़्यादा बच्चे भरते थे. क्यों? क्योंकि वहाँ मैथ्स जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन अब ऐसा कोई डर नहीं है. तो ये सारे चेंजेज. दूसरी बात, 2000 ये टर्म्स सारे चेंजेज हो गए कि अब तो हमारे क्या आउटपुट निकला कि क्लास 12th में मैथ्स हमारे जो सारा भी जो हमने बात किया, मैथ्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है. कब से? फ्रॉम 2019 से टिल नाउ, अभी तक ये क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है 2019 से लेकर और अभी तक अब मैथ्स जैसा क्राइटेरिया नहीं रहा. दूसरा, बीएल आईआईटी जैम जो बायोलॉजिकल साइंस, बीएल फॉर आईआईएससी अब नहीं रहा. अब आपको आईआईएससी बेंगलोर में भी एडमिशन मिलेगा बीटी के थ्रू. दूसरी चीज. तीसरी चीज, जो पहले जो स्टाइपेंड था 2015 में, यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज आया 2016 में वो कर दिया गया था 5K. इससे पहले जो स्टाइपेंड था वो 3K था, क्योंकि जो आपका आईआईटी जो जैम का जो एग्ज़ाम है ये इसके पॉक्स में आएगा. क्या बेनिफिट्स है आईआईटी से एमएससी करने का? आप इंडिया में किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से करो, जो बायोटेक नहीं कर रहे हो, अगर आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हो या जियोलॉजी कर रहे हो या बॉटनी कर रहे हो या बायोकेमिस्ट्री कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट एनी स्टाइपेंड. बट इफ़ यू आर डूइंग एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, यू विल गिव 5,000 पर मंथ, मीन्स इन एनुअली यू विल गेट 60,000. ओके, सो इन टू ईयर यू विल गेट ऑलमोस्ट 120,000 अमाउंट. सो ये एक सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है आपको इंटर्नशिप के लिए या और आगे पीएचडी की प्रिपरेशन के लिए, आपको काफ़ी इन पैसों से हेल्प हो जाता है, ये पर्क है. दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आईआईटी से वो करने का, क्योंकि ये एग्ज़ाम बड़े ही कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, ठीक है, बहुत ही हैसल फ्री एग्ज़ाम है. सितंबर में इसके नोटिफिकेशन चले आते हैं, अक्टूबर तक रहता है, फिर उसके बाद आपका ये जो एग्ज़ाम होता है ये फरवरी में होता है, मीन्स फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी और सेकेंड संडे, फर्स्ट संडे और सेकेंड संडे ऑफ फरवरी में एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन मोड होता है, और ये सारे बच्चों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, चाहे उसके पास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, राइट. और अब गुड न्यूज ये है कि 2017 से आईआईटी इंदौर ने भी एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया है, 2017 से, 2016 में नहीं था. तो ये नए चेंजेस 2017 में आए कि आईआईटी इंदौर ने भी एक कोर्स स्टार्ट किया है इंटीग्रेटेड पीएचडी का, ठीक है, एमएससी इन इंटीग्रेटेड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी करके, तो उसमें भी आप ले सकते हो एडमिशन. प्लस उसके बाद एक ईयर और से 2018 से आईआईटी खड़गपुर ने भी एक
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोर्स लॉन्च किया, माइक्रोबायोलॉजी कम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो सारे डिटेल्स में कोर्स को आपको दे दूंगा। तो पहले अब इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स आ गए, जैसे कौन कौन, सबसे पहले आपका आता है आईआईटी मुंबई, उसके बाद आपका आता है आईआईटी रुड़की, राइट, आईआईटी रुड़की, उसके बाद आपका आता है आईआईटी इंदौर, आईआईटी इंदौर, उसके बाद आता है आईआईटी खड़गपुर, ये। और अब 2020 से ये जो 2020 है, ये साल है, ये काफ़ी लॉट ऑफ चेंजेज है टेक प्लेस, इस साल से आईआईएससी बेंगलोर भी इसी एग्जाम के थ्रू लेगा, जो कि सबसे ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है बायोलॉजिकल साइंस के कैंडिडेट के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तो अब आपको इन सारे इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के थ्रू मिलेगा एडमिशन, डेट इज आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद जो सबसे रिसेंट चेंजेज है वो क्या है, कुछ और इंस्टीट्यूट्स भी इसके रिजल्ट शेयर करते हैं, जैसे आपको एनआईटी उड़ीसा का है, एनआईटी राउरकेला इसके रिजल्ट्स को शेयर करता है, और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिजल्ट को शेयर करते हैं, तो उनमें भी आप इस एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हो, बट आपको फेलोशिप वहीं मिलेगा जो डीवीटी के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड आपका कोर्स होगा, दैट इज आईआईटी जैम के थ्रू आप कहीं भी एडमिशन लेते हो तो आपको 5000 पर मंथ मिलेगा अगर वो बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है तो, राइट। तो ये हो गया। अब मैंने बोला था कि अब रिसेंट चेंजेस मैंने आपको बता दिया, फिर बीटी और बीएल और बोथ, अब 2020 से बीएल नहीं होगा, अब सिर्फ बीटी होगा, तो आप सिर्फ बीटी दोगे। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ आईआईटी जैम, ये आपका 5 ईयर की जर्नी थी, किसी ईयर में मैथ्स कम आया था, फिर मैथ्स चला गया, फेलोशिप बढ़ा, फिर नंबर ऑफ पेपर पैटर्न में चेंज हुए, फिर कट ऑफ में भी काफ़ी चेंजेज रहे हैं, वो कट ऑफ के बारे में मैं बात करूँगा, प्रिपरेशन फॉर आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी की जब मैं बात करूँगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके ग्रेजुएशन होते होते, ताकि आप करेंट ईयर के साथ ही आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले लो इस एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है। फिर दूसरा है हाउ एमएससी बीटी फ्रॉम आईआईटी एनआईएससी इज डिफरेंट। एग्जैक्टली, आपको पता है ये जो आईआईटी हैं और आईएससी हैं, ये सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करती है। और दूसरी बात, ये जो कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी का, ये कैसे एज ले लेता है और कोर्सेज से, जैसे कि आप जूलॉजी करते हो किसी इंस्टीट्यूट से, या बॉटनी करते हो, या कोई और बायोकेमिस्ट्री करते हो, तो क्या है, एक तो आप सोचिए इसकी स्टूडेंट्स को एमएससी बीटी करने में पैसे मिल रहे हैं 5000, तो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा ग्रांट्स मिलते हैं जो भी प्रोफेसर इस डिपार्टमेंट में होते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, तो इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ बिग थिंग कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक बायोटेक्नोलॉजी के लिए इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग है, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ को दोनों जगह से फंड आते हैं आईआईटीज में और अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। तो बायोटेक जो है वो काफ़ी फैंसी कोर्स है, राइट, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर आपके इंस्टीट्यूट्स में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये कोर्स वर्स्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें सारा एक्सपीरियंसेस जो आपको मिलता है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, डीएनए के लिए आपके पास प्रॉपर डीएनए को वो एम्पलीफाई करने के लिए पीसीआर होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पीसीआर होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होने चाहिए, बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, राइट, और भी है एनएमआर है या क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, ये भी बहुत कम इंस्टीट्यूट में जो आए हैं, राइट। तो ये सब सारे जो है काफ़ी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको यहाँ ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है, और जो प्रोफेसर्स होते हैं वो मोस्टली उनके पीएचडीज और पोस्ट डॉक्स वो फॉरेन से होते हैं, राइट, तो वहाँ पे आपको एब्रॉड जाने के लिए आपको काफ़ी अच्छा एक, आपको पता है आप जब एब्रॉड के लिए अप्लाई करोगे तो आपको रिकमेंडेशन चाहिए, तो आपके प्रोफेसर्स अगर अच्छे लैब से हैं, अगर वो आपको रिकमेंड करते हैं, अगर वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज लैब से है, ग्लोबली रिकग्नाइज जो लैब्स है उनसे हैं, तो आपके रिकमेंडेशन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आईआईटी से एमएससी करने के बाद आपके फॉरेन जाने के स्कोप्स बढ़ जाते हैं, प्लस आईआईटी जैम के थ्रू जो स्टूडेंट्स कलेक्ट होके आते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, राइट, तो उनके बीच आपका कंपटीशन होता है, तो आपको सीएसआईआर, गेट, ये सब एग्जाम क्वालिफाई करना इजी हो जाता है, ठीक है, लेकिन वही वाली बात है, वहाँ पे भी जाके आपको स्टडी करनी पड़ेगी, वहाँ पे भी जाके आपको टाइम देना पड़ेगा, लैब्स के लिए आप
फर्स्ट ईयर से ही मास्टर से आप किसी भी लैब प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हो, आप उनके थ्रू अंदर जाके आप एक्स्ट्रा टाइम देके आप लैब वर्क सीख सकते हो। तो ये सारे पर्क्स हैं जो मैंने बताया, हाउ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम आईआईटी और एआईएससी। ओके, फिर है पर्क्स ऑफ डूइंग एमएससी बीटी। सबसे पहली बात, और इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हो तो आपके पास एक आईआईटीएन का टैग होता है कि आप आईआईटीएन हो, आप एक रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट के पार्ट हो, तो लोगों का ट्रस्ट आप पे जल्दी होता है, आपका रिज्यूमे पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप एक सबसे रेप्यूटेड एग्ज़ाम के थ्रू जाते हो, आपको फेलोशिप्स मिलते हैं, आपके लिए इजीली हो जाते हैं वो सारे प्रोफेसर्स जो अप्रोचेबल होते हैं, जो अच्छे अच्छे टॉप मतलब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से होते हैं वर्ल्ड के, सारे आपको कंट्री के प्रोफेसर जो डिफरेंट डिफरेंट जगह से, कोई जर्मनी से पीएचडी होंगे, कोई फ्रांस से होंगे, कोई आपको इंडिया के आईआईसी बेंगलोर से होते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूस से होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको सारे वो मिल जाते हैं। आप जिस डिपार्टमेंट के हो, जैसे मैं आईआईटी रुड़की की बात करूँ तो ऑलमोस्ट वहाँ 30 डिपार्टमेंट्स हैं, मीन्स बायोटेक्नोलॉजी में भी 30 प्रोफेसर्स हैं ऑलमोस्ट जिनके अपने लैब्स है, तो आपको एक काफ़ी वैरायटी मिल जाता है काम करने का, एक्सप्लोर करने का, डिजर्टेशन आप जैसा टॉपिक्स में चाहे वैसे टॉपिक्स में ले सकते हैं, और इस तरह से आप सारी चीज़ें होती है। प्लस बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, इनकी जो पीएचडी जो होती है, जैसे आईआईटी से पीएचडी होते हैं, पोस्टडॉक्स होते हैं, तो एक हायरार्की मिल जाता है, आपको सीनियर्स का सपोर्ट मिल जाता है, आपको दिख जाता है कि हाँ कैसे मुझे आगे बढ़ना है, क्या मेरा आगे का गोल होने वाला है, वो सारी चीज़ें। तो ये सारे रिसेंट चेंजेस थे और ये सारे बेनिफिट्स थे अगर आप आईआईटी से मास्टर्स करते हो तो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, एंड फॉर दिस यू शुड हैव ए प्रॉपर स्ट्रेटजी, ए प्रॉपर प्लानिंग टू गेट इन टू आईआईटी। इफ नॉट आईआईटी, देन वॉट अबाउट अदर एंट्रेंसेज? दिस आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स इन माई नेक्स्ट वीडियो, डेट हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव एन्जॉयड एंड यू हैव गॉट सो मच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।